हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम कान्हा जी की 26 जनवरी के लिए ड्रेस बनाएंगे तिरंगा कलर में, जिसके लिए मुझे चाहिए ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज है, ट्रिपल प्लाई की ऊन है, ये वाइट है और ये ग्रीन है। ठीक है, तो हम पहले बनाते हैं कान्हा जी के लिए चोली। मेरे 5 नंबर के कान्हा जी हैं, इनके लिए मैं चोली बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 22 चैन लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, अब आप ऐसे ही चैन ले लें। अभी अब हम इसके अलावा अभी करते हैं, अभी मेरे 25 चैन हो गई है। अभी मैंने 3, 1, 2, 3, 3, 4th के यहाँ पर हाथ रखा। यहाँ पर हम ये 3 चैन डबल क्रोशिया बना लेंगे। वन एंड टू डबल क्रोशिया हो गया। अभी इसमें ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशिया से। अभी मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ। मेरे पास यहाँ टोटल 22 डबल क्रोशे हैं। अब मैं अपने वर्क को टर्न करूँगी ऐसे। अब मैं 3 की चैन बनाऊँगी, 2, 3। ये अब मुझे इस पे तो हमारे 3 की चैन हो गई, एक ये डबल क्रोशे हो गया। ये जो नेक्स्ट है इसमें हम डालेंगे और ऐसे डबल क्रोशे बना लेंगे। इसी में हम दोबारा डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही करते हुए हम अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। अब हम हर एक लूप में 2 बार बनाएंगे, तो इससे हमारे पास ये टोटल 22 तो ये हैं, 22 और 24 और 1, 1 ये तो हमारे पास देखते हैं 24 होने चाहिए, 44 होने चाहिए। ठीक है, अब मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बनाएंगे सिलाई से कान्हा जी की कोटी 3 कलर्स में रिपब्लिक डे के लिए। ये मैंने ऑरेंज कलर से धागे डाल लिए हैं। अब मैं इसको वाइट कलर से बुनूंगी और उसके बाद फिर मैं एक लाइन ग्रीन कलर से बुनूंगी। अभी मैं ये धागा जोड़ लेती हूँ। ये जो धागा बचा है इसको मैं एडजस्ट कर दूंगी बाद में। ये मेरा हो गया, मैं वाइट से ही वापस जाऊंगी। ये ऐसे हमने एक धागा बिना बुना उतार लिया, अब हम इसको ऐसे वाइट से ही बटा बुनते हुए वापस जाएंगे।
गए। इसे खींच के थोड़ा टाइट कर देंगे। अब हमारा ये ऑरेंज कलर हो गया है और ये वाइट हो गया है। अब हम इसमें लगाएंगे ग्रीन कलर। अभी देखिए हमारे इसमें तीनों कलर हमारे आ गए हैं। ठीक है, अब हम इसमें वाइट कलर से अब हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम ये वाइट से बनाएंगे पूरा बेस इसका ब्लाउज। बाकी फिर तिरंगा बाजू में लगा देंगे और नीचे घेरे में, तो इसलिए आप ऐसे ही वाइट कलर जोड़ लें इसमें। ये चार हमारे हो गए हैं आगे के पीस। ठीक है, अब हम इधर लेंगे, इस पर एक जाली घेरेंगे, फिर इधर लेंगे इसको, फिर एक जाली घेरेंगे। ये दो फंदे हो गए हैं हमारे बाजू के, तीन तीन फंदे हो गए हमारे बाजू के। फिर हम एक इधर लेंगे, फिर एक जाली घेरेंगे, एक फंदे के दोनों तरफ जाली। अब हमारे चार फंदे, एक दो तीन और एक, ये चार, ये हो गए हैं पीछे का हिस्सा कमर। फिर हम जाली घेरेंगे, ये एक जाली इधर पड़ गई है, फिर वापस लेंगे इसको, एक जाली ये पड़ गई है। तो एक दो और तीन, ये हो गए हमारी दूसरी बाजू। फिर हम इधर लेंगे, फिर इस पर जाली घेरेंगे, ये जाली हो गई, फिर ये जाली हो गई। तो आगे के हमारे चार फंदे जो हैं टोटल, एक दो और तीन और ये चार, हमारा वाइट धागा लग गया है। अब हम इस धागे को अपने को एडजस्ट कर लेंगे। अब की बार में बुनाई में इसको ले लूँगी। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, ये सब धागे में एडजस्ट कर दूँगी। अब हम ये पूरी इसको पूरी सिलाई को ऐसा उल्टा बुनते हुए वहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। जैसे चाहे तो आप इन धागों को थोड़ा सा यहाँ पे भी वन वन करके एडजस्ट करते हैं। जैसे ये इधर ले लिया, ये बुना वापस आई, इसको यहाँ ले लिया, ऐसे ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसको इधर ले लिया, ऐसे ही हर बार एक धागा आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी जो बचेगा उसको कट कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही बनाएंगे पूरी चोली जाली घेर के। अब हम ये इसको जो आगे की साइड है इसको गांठ बना लेंगे, ताकि थोड़ा मुड़ा मुड़ा ना रहे। चार फंदों में एक तो मैंने उतार लिया, एक दो और ये तीन और एक ये चार, जो मैंने आगे की गिनते। अब हम सीधा बुनेंगे,
एक ये सीधा, अब ये जो जालेगी जिस फंदे पे हमने जालेगी, तो हम इधर करेंगे इस पे हम वापस जाली घेर देंगे, इधर करेंगे फिर जाली घेर देंगे। तो अब की बार हमारे पास बाजू में कितने फंदे, पिछले बार हमने दो लिए थे, अब की बार हमारे पास बाजू में हो गए हैं चार फंदे, क्योंकि एक जाली इधर एक जाली इधर, तो दो बढ़ गए, फिर ये जाली वाला फंदा आ गया है। नहीं, पांच फंदे हो गए क्योंकि तीन थे ना बाजू के, तो पांच हो गए, ये जाली वाला फंदा फिर आ गया। इसके दोनों तरफ हम फिर जाली घेरेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास हर पूरी इसमें आठ फंदे बढ़ेंगे एक बार में, दो बाजू में इसमें, दो पीछे, दो इस बाजू में, और एक आगे और एक इधर आगे, तो टोटल आठ हो गए। तो अब हमारे पास इसमें पीछे हमने चार छोड़े थे, तो अब की बार छः हो गए। वो ये फिर जाली आ गई है, ये रही जाली, और ये एक जाली का फंदा इधर करेंगे, फिर जाली डाल लेंगे। ऐसे ही बाजू के हो गए हैं। अब हमारे आगे का फिर जाली आ गई है, इस पे हम इधर जाली घेरेंगे, फिर इधर करेंगे। तो ये आगे के हमारे पीस एक और चार ही हैं, इन्हें हम ऐसे बुनेंगे उल्टा, तो हमारा वर्क थोड़ा सा अच्छा लगता है, आगे से बॉर्डर की तरह बन जाता है, जैसे बटन पट्टी की तरह। अब वापस हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही उतारेंगे। अब जैसे पिछली बार हमने एक धागा एडजस्ट किया था, अब की बार हम एक धागा और एडजस्ट कर देंगे, दो भी कर सकते हैं, वाइट के साथ वाइट ऐसे किया, फिर इसको ऐसे पकड़ लिया इधर, फिर इसको वापस से ऊपर से फिर उधर घुमा दिया इधर, तो ये इस तरह धागे एडजस्ट हो जाते हैं। फिर नीचे, तो आप इस तरह धागे एडजस्ट कर सकते हैं, और जो ये एक्स्ट्रा बचते हैं थोड़े बहुत, इनको आप ऐसे कट कर दें। ऐसे आपके सारे धागे एडजस्ट होते हैं। ऐसे ही करते हुए मैं आपको ये पूरी चोली बना के दिखाती हूँ, जब बाजू मोड़ूंगी तब दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये जाली डाल ली है, ये मेरे पास आगे का जो आगे का पोर्शन है, इसमें है दस फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, और 15 ये बाजू के हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये पीछे ये कमर हो गई ऐसे, ठीक है, ये मैंने इसमें कमर में है, मेरे पास है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 18 फंदे, ठीक है। और ऐसे ही बाजू में 15 फिर इधर हैं और 10 इधर हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको, मैंने इसमें टोटल कितनी जाली घेरी है, देखो ऐसे जैसे हम जाली डालते हैं तो एक फंदा इधर बढ़ जाता है, एक फंदा इधर बढ़ जाता है, तो एक दो तीन चार पाँच छः मैंने इसमें जाली डाली है। अब मैं आपको इसकी बाजू अलग करके दिखाती हूँ कि हम इसकी बाजू कैसे अलग करेंगे, और फिर हम जो कमर वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा चार या पाँच सिलाई और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसके लिए हम ये उल्टी सिलाई शुरू करेंगे। तो हमारा जो आगे का पीस है, आगे का पोर्शन है, उसको हम बुन के उतार लेंगे सिलाई में ऐसे उल्टा। ये हमें पूरे 10 फंदे गिनने हैं अपने, 10 हो गए। अब हमारा जो ये वाला है, ये जो जिस पे हमने जाल डाल, इस फंदे को भी हम आगे ही बुन लेंगे। इसके बाद हमारे ये जाली वाला और एक ये फंदा हम मिला के दोनों एक साथ बुनेंगे, ठीक है।
अब हम इस फंदे को वापस इस पे उतार देंगे, फिर हम ऐसे दो को फिर एक साथ बुनेंगे, फिर हम दो को एक साथ बुनेंगे, जो हम फंदा निकालते हैं इसको हम वापस डालते हैं और इधर से एक लेते हैं और उसको हम एक साथ बुन देते हैं। देखो जैसे एक ये हो गया हमारा जो हमने उतारा, एक ये हो गया ये वाला, इसको हम इसमें डालेंगे ऐसे ऐसे डालेंगे और हम इसको ऐसे ऐसे इसको हम बुन देंगे, ठीक है। फिर वापस डालेंगे, फिर इसके साथ लगा के हम इसको हम बुन देंगे, फिर इसको इसके साथ डालेंगे, फिर लगा के हम इसको ऐसे बुन देंगे, ऐसे डालेंगे फिर बुन देंगे। इस तरह हमारे बाजू पीस से अलग हो जाएगी। ये हमें जो अगले वाली जाली आएगी उस तक घटाने हैं। अब हमारा ये आ गया है जाली वाला फंदा है, ये इसके साथ ही हम इसको करके ऐसे कटा देंगे, ठीक है। अब हमारी कमर आ गई, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे बुन के, पूरा कमर भी पूरी ये बुन के उतार लिया इधर। अब हमारी फिर ये बाजू आ गई है, ये बाजू है, इसको हम फिर घटाएंगे सेम मेथड से, इन दो को एक साथ लेंगे ऐसे ऐसे बुनेंगे और निकाल लेंगे, फिर वापस इस फंदे को इसमें डालेंगे, फिर बुनेंगे फिर निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड। इसको इसमें डालेंगे, इन दो को एक साथ हम बुन देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, हमारी बाजू घट जाएगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये हमारी ऐसे ऐसे ये बाजू अलग हो गए हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे ऐसे देखेंगे थोड़ा, अभी जब हम इसे निकालेंगे इसमें से, तो ये ऐसा हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे ये बाजू हो गई है इधर, ये बाजू और ये। इसको मैं अभी थोड़ा सा और बुनूंगी, तो अभी मैं आपको बुन के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, कोटी को ऐसे ही जैसे दो का एक बना के इस पे वापस डाला, फिर दो का एक बनाया, ऐसे ही मैं सारे करते हुए इसको बंद कर दूंगी, ठीक है। अभी आपको मैं करके दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये एक कान्हा जी की प्यारी सी कोटी बन के बिल्कुल रेडी है। अभी मैंने धागा काटा नहीं है, इससे मैं इसका जो मैं घेरा बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी किरोसिये से, 12 नंबर के किरोसिये से, ये 12 नंबर का किरोसिया, इससे मैं इसका घेरा बनाऊंगी। और इस पे यहाँ पे भी मैं पहले ग्रीन किनारी करूँगी, फिर वाइट करूँगी, फिर ऑरेंज करूँगी, ऐसे ही नीचे भी पहले ग्रीन करूँगी, फिर वाइट करूँगी, फिर ऑरेंज करूँगी, तो ऐसे ही मैं इस पे भी किनारी बनाऊँगी, जो मैं आपको करके दिखाऊँगी अभी। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये ऐसे ही हाफ डबल क्रोशे से ऑरेंज किया, हाफ डबल क्रोशे से वाइट किया, अब मैं हाफ से ही ये ग्रीन कर रही हूँ। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, ये ऐसे आप इसमें डालें, ये ऐसे निकाल लें और ये दोनों को एक कर दें। ऐसे ही मैं अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करूंगी। देखो फ्रेंड, मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करूंगी। जो मैंने एक की चैन बनाई थी वो ये मैं यहाँ पे इसमें डाल के इसको यहाँ से निकालूंगी और ये इसको सेल्फ स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। मेरा ज्वाइन हो गया।
मेरी कोटी बन के तैयार हुई है। इस पर मैं अब पूरा ऐसे घेर बनाऊंगी, पहले ऑरेंज, फिर वाइट और फिर ग्रीन। जब मैं कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं इसका ये बेस बना रही हूँ, घेरा बना रही हूँ। तो आप ये डिज़ाइन देख पा रहे हैं, ये मैंने ऐसे पत्तियाँ बनानी शुरू करी हैं। फिर मैं इनको नीचे से जोड़ूंगी, तब इनका बेस बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखाना चाहती थी, जब मैं शुरू किया तब तो मैं भूल गई, लेकिन अब मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ। तब देखो अभी मैं चार पत्ती बना चुकी हूँ, अब मैं बना रही हूँ पाँचवीं। आपको दिखाती हूँ एक पत्ती बना के। तो मैंने ऐसे यहाँ से चार चेन ली हैं, चार चेन लेके मैंने एक बार दो बार क्रोशिया हुक पे धागा लिया और ये यहीं पे जहाँ से चेन बनाई उसी हुक में वापस डाल दिया और ऐसे निकाला एक बार दो बार और ये तीन बार। ये मेरा लूप बन गया है एक, ठीक है, एक मेरा लूप बन गया है। अब ये एक दो और मैंने तीन चेन ली एक क्रोशिया के हाइट की। अब मैं इसी में 11 टाइम और डबल क्रोशिया करूँगी, दो तीन चार चार पांच छः सात आठ नौ दस और एक ये 11। मेरे पास टोटल 12 डबल क्रोशिया हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 और एक ये 12। अब हम इनको जो हमारा ये है, एक में तो हमने ये बनाया है, इसके पास वाला हम एक स्किप कर देंगे और इसके नेक्स्ट वाले में हम इसको एक छोड़ के और एक नेक्स्ट में हम इसको सिंगल डबल क्रोशिया से ऐसे जॉइन कर देंगे, ठीक है। अब हम यहीं से अपना दूसरी पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। फिर हमने चार चेन ली, चार चेन लेने के बाद हम फिर वापस एक और दो क्रोशिया पे दो बार धागा डालेंगे और यहीं पे जहां हमने अटैच किया था, जहां चार चेन बनाई है वहीं पे इसको क्रोशिया को डाल के ऐसे निकालेंगे, 1 2 और ये 3। ये लूप बन गया है। अब वापस फिर हम 1 2 3, ये 3 चैन हम लेते हैं एक डबल क्रोशिया के हाइट के लिए। अब हम इसमें 11 टाइम और डबल क्रोशिया करेंगे, ये मेरी पत्ती बन के कम्प्लीट हो गई है 12। इसमें अब हम इसको वापस फिर एक स्किप करेंगे और ये नेक्स्ट में हम इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही करते हुए हम अपना पूरा ये पूरा राउंड ऐसे यहाँ से यहाँ तक हम इसे पत्तियों से भर लेंगे। फिर वापस जब ये पत्तियाँ बन जाएंगी फिर हम इनको मैं आपको जोड़ना बताऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आप मिलती हूँ, अभी राउंड कम्प्लीट करके मिलती हूँ। देखो फ्रेंड, चाय भी आ गई है, चाय पी लीजिए बिल्कुल गर्मा गर्म। चलो अब मैं अपने देखो वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ। मैंने ये सारे में पत्तियाँ बना ली हैं इसमें और ये मेरा जो लास्ट पत्ती है इसको मैं जो ये मैंने पत्ती शुरू करी थी ना सबसे पहले यहीं पे ऐसे इसको मैं इसी हुक में ऐसे सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर दूँगी। सिंगल क्रोशिया लिया ऐसे ऐसे इसको मैं ऐसे जॉइन कर दूँगी, ठीक है। अब फिर जो ये लूप है ना ये पत्ती इसका पत्ती का ये वाला लूप, इसमें मैं यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से ही मैं इसमें आ जाऊँगी
अब ये इस लूप के सहारे मैं सिंगल क्रोशिया करते हुए थोड़ा ऊपर तक चल जाऊंगी, इसलिए मैं इसमें 3 बार सिंगल क्रोशिया करके यहाँ ऊपर किनारे तक आ गई। अब हमें ये ऐसे तो बिखरी बिखरी सी लग रही हैं, देखो अब देख पा रहे हैं कैसे बिखरी बिखरी हो रही हैं। अब हम इन्हें सेट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इनके साथ ऐसे 1, 2, 3 की चैन लेंगे और ये पत्ती हम इसके पीछे से ऐसे पकड़ेंगे और ये जो लूप है ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये वाला लूप हम इसको इसमें ऐसे इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे से, ए ए ऐसे। फिर हम अगेन 3 की चैन लेंगे, फिर हम ये थर्ड पत्ती इसको लेंगे, इसे अटैच कर देंगे ऐसे, फिर हम 3 की चैन फिर लेंगे, फिर हम इसको नेक्स्ट पत्ती को ऐसे इसमें अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे से, फिर 3 की चैन और फिर हम इसको इस वाली पत्ती को, तो हम ऐसे ही करते हुए इसके पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और ये ऐसे हमारी पत्तियाँ एडजस्ट होती जाएंगी। देखो ये हमारी पत्तियाँ फिर ये ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे सेट हो जाएंगी, देख पा रहे हैं ऐसे सेट हो जाएंगी। तो अभी मैं आपको ये कर पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखो मेरे फ्रेंड्स सब पत्तियाँ जुड़ गई हैं, ये मेरी लास्ट पत्ती है 1, 2, 3, इसे भी हम यहाँ पे जो पत्ती शुरू वाली थी उसी में यहाँ पे एडजस्ट करके ये ऐसे यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से इसे एक सिंगल क्रोशिया से इस वाली चैन में हम इस वर्क को अपने ले आएंगे। अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि थोड़ी सी ऐसे पत्तियों को थोड़ा सा ऐसे खोल सी के ठीक कर लें सीधा, ये वरना तो थोड़ा घूम जाती हैं। देखो जैसे ये पत्ती नीचे ही चली गई, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा पैटर्न कैसा लगेगा रखने के बाद। देखो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये कैसा लग रहा है, कितने क्यूट लगेंगे कान्हा जी पहन के, ये ऐसे ये मेरा पैटर्न लग रहा है। ये सब पत्तियाँ आपस में, अभी मैं आपको उसको टर्न करके दिखाती हूँ। ये आप देख पा रहे हैं ये धागे तो सब एडजस्ट हो जाएंगे जब ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा जब हम ऐसे बनाते हैं इसको तो ये ऐसे ना ऐसे 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 मुड़ना या ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे इक्वल आएगा तो हमारा ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपका आपको लग रहा है कि चैन टाइट है और ये ऐसे मुड़ रहा है ऐसे खड़ा है, तो आप ये चैन जो हमने 3 की चैन बनाई है इसको आप 4 की चैन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा लूज है पत्तियाँ ज़्यादा बन गई हैं तो आपकी आप 2 की भी ले सकते हैं, नहीं तो 3 की आप लें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और मेरी अब आपके बताती हूँ पत्तियाँ कितनी बनी हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मेरी आई हैं 19 पत्तियाँ। तो 19 और मैंने एक इस चैन स्किप की है और एक में बनाया है, तो मेरी 38 चैन थी, तो उसके बाद मैंने मेरी 19 आई हैं, ठीक है। आप छोटी बड़ी बनानी है तो वैसे ही आप नीचे सिंगल क्रोशिया कम रखें तो वैसे ही आपकी कम पत्तियाँ आएंगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड जो करेंगे वो हम करेंगे ऐसे, ये हमारा जो हमने ये चैन बनाई है इसी में जो लूप है ये हम देखो यहाँ पे हम 1, 2, 3 की हमारी तो चैन होगी, एक सिंगल क्रोशिया गिनेंगे हम इसको। अब हम यहाँ पे 2 टाइम और सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2, फिर हम हर एक लूप में इसमें 3 हमारी चैन है, 3 टाइम ही हम सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप देखो मेरा 2 में हो गया, अब हम ये नेक्स्ट आ गया है पीछे जो हमारा वर्क है, ये हमें सारा वर्क पीछे करना है, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा हो गया और ये 2 टाइम और 3 टाइम,
ये अब हमने ऐसे बनाया है, तो हमारे अगर हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे, अगर हम बिल्कुल यहाँ से शुरू करते हैं तो हमारी पत्तियाँ इसके नीचे दब जाएंगी दूसरे वाली। अगर हम ऐसे करते हैं, अब देखो ये इसकी हाइट तक आ गया है, तो इसकी हाइट तक आ गया। इस पर हम वापस एक लाइन बनाएंगे, उससे हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी पत्तियाँ दूसरी यहाँ से शुरू होंगी, तो वो हमारा फिर राउंड बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अभी मैं इसको कंप्लीट करके और आपको दिखाती हूँ दोबारा कैसे करना है। अब ये मेरा पीछे का वर्क कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे जो 3 की चेन दी थी हमने, उसके फर्स्ट लूप में डाल के सेल्फ स्टिच से जोड़ दूँगी। ठीक है, अब मेरा ये ऐसा वर्क कंप्लीट हो गया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। ठीक है, ऐसे ये पूरा घेरा आ जाएगा पीछे, ऐसे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से वाइट कलर लगाऊंगी इसमें, वाइट कलर, और मैं ऑरेंज कलर को कट कर दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, देखो ये वाइट घेरा भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसे ये वाली लाइन भी बना दी है मैंने इसके नीचे, ये कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद मैं एक ग्रीन कलर लगा के ग्रीन कलर से इसका घेरा बनाऊंगी, सेम जैसे मैंने पहले पत्तियां बनाई है ऐसे ही। देखो ये मैंने ग्रीन से इसमें पत्तियां बनानी शुरू कर दी हैं। मैं इसमें ऐसे ही पत्तियां बनाते हुए, जैसे जैसे ये पत्ती बनाई है और ये वाली पत्ती बनाई है, ऐसे ही ग्रीन से भी अब मैं पत्ती बनाऊंगी इसमें, पूरा कंप्लीट करके तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखो ये मैंने ग्रीन से इसमें पत्तियां बनानी शुरू कर दी हैं। मैं इसमें ऐसे ही पत्तियां बनाते हुए, जैसे जैसे ये पत्ती बनाई है और ये वाली पत्ती बनाई है, ऐसे ही ग्रीन से भी अब मैं पत्ती बनाऊंगी इसमें, पूरा कंप्लीट करके तब मैं आपको दिखाऊंगी।